दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरफेसिंग टेक्निक्स कैसे क्या होती हैं, उसका क्या नाम है एम्बेड सिस्टम में, और आईओटी के केसेस में वो किस तरह से काम करती हैं, और हमने इसको एक उदाहरण के साथ देखा था। अब हम देखेंगे कि इंटरफेसिंग टेक्निक जो होती हैं बेसिकली उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक टाइप तो हमने अपने पिछले वीडियो में ही देख लिया था, वायर एंड वायरलेस। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है ये वाली टाइप, जिसको कहते हैं हम हार्डवेयर इंटरफेसिंग और सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग। ठीक है, अब हार्डवेयर इंटरफेसिंग में क्या होते हैं, जो हमारा डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन होता है या सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन होता है, और इसको बोलते हैं और भी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो होता है, तो वो सारे जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे हार्डवेयर इंटरफेसिंग के अंदर आते हैं। हार्डवेयर इंटरफेसिंग के बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि हमारा SPI, सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस, है ना, इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टेड सर्किट I2C, इसी तरह से RS232, है ना, बहुत सारे इसके अलग अलग हैं। हम देखेंगे बेसिकली हमारा जो ये पूरा जो प्लेलिस्ट है ये बेसिकली हार्डवेयर इंटरफेसिंग पे ही फोकस रहेगा इसी। लेकिन ऐसा नहीं कि हार्डवेयर इंटरफेसिंग अकेली होती है, सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग भी होती है। सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग में बेसिकली क्या होते हैं कि हम जो काम हमारा जो कनेक्शन होता है, जब हम डिवाइस वन डिवाइस टू से बात कर रहे थे तो वो जो कनेक्शन था वो हमारा हार्ड वायर्ड के थ्रू हो रहा था, हार्डवेयर के थ्रू हो रहा था। अब यही सारी चीज़ जब हम आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम के थ्रू करते हो, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम के थ्रू। जैसे कि ये है हमारा एक बड़ा सिस्टम, लेट से ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये बहुत सारे शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, IOs होते हैं, वो सारे शेयर्ड रिसोर्स हो। अब ये क्या करेगा, OS के थ्रू ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एस इनके साथ के ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो पूरे लैपटॉप को या कंप्यूटर को एक साथ चलाए रखने में सहायक होता है और हमें को बहुत सारी सुविधाएं देता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए अलग अलग प्रोग्राम, जैसे मेरे को पता करना है कि ये IO तो है लेकिन ये किस तरह का IO है ना, ये क्या काम करता है, ये कैसे काम करेगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, डिवाइस ड्राइवर को यूज़ करूँगा, DD इज इक्वल टू डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप जैसे ही कोई चीज़ आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हुई, जैसे ही जैसे मैंने USB पोर्ट में कुछ भी प्लग लगाया तो अपने आप समझ जाएगा कि ये पेन ड्राइव है या ये प्रिंटर है या ये कैमरा है, वो डिवाइस को समझता है। वो कैसे समझेगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को, उसका ड्राइवर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उस डिवाइस के बारे में विस्तृत जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। ऐसा नहीं है कि डिवाइस ड्राइवर अकेले ही एक इंटरफेसिंग का एप्लीकेशन या प्रोग्राम के थ्रू होता है, एप्लीकेशन और प्रोग्राम मोस्टली एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह से जो डिवाइस ड्राइवर जो होता है तो हमने इसको देखा। अब इसी तरह से अब ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रीम से बात करता है, बहुत सारा डेटा अब एक मेमोरी कंपोनेंट है यहाँ से आ रहा है और दूसरे मेमोरी कंपोनेंट में उसको लेके जाना है। तो जब इस तरह का कनेक्शन बनता है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको हम डेटा स्ट्रीम, बहुत सारी डेटा स्ट्रीम आ रही है। अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखूंगा जो सारा डेटा को एक साथ एक जगह रखने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से डेटा स्ट्रीम होती है, इसी तरह से फिल्टर्स और पाइपलाइंस होती हैं। फिल्टर्स पाइपलाइन में अभी जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम देखेंगे, रिसोर्स शेयरिंग का और रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उस केस में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। इसी तरह से जब कंप्यूटर के अब जैसे ये है, अब जैसे कुछ भी मेरे को लेना तो ये एक मेरे पास ऑलरेडी ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्राम के थ्रू, मैं उन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे काम करता हूँ तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मैंने इसमें ये लिखा था कि पाइपलाइन और पाइप रीडर, है ना, जैसे पाइप रीडर लिखा है या बफर लिखा है, ये हैं क्या, ये है ना मेथड्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मेथड्स हैं या प्रोग्राम, मतलब ये लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। जैसे जावा में ये हमको प्री डिफाइंड बने बनाए मिल जाते हैं ना, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट है। इसलिए अभी इस पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इनको यूज़ करके मैं सीधे सीधे वो सारे कनेक्शन बना लेता हूँ जो मैं वायर्ड कनेक्शन बना रहा था। सॉफ्टवेयर के केस में एक और समझने वाली बात है, ये इंटरनल रिसोर्स के लिए होते हैं, मैनेजमेंट में ज़्यादा काम करते हैं,
इसमें इनका काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एक्सटर्नली ये ज़्यादा होते नहीं है, ज़्यादा एप्लीकेबल होते नहीं। उसका कारण ये है कि क्योंकि एक डिवाइस है उस कंप्यूटर की अपनी जो मेमोरी है या जो GPIOs हैं जो उससे कनेक्टेड है, उस पे एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम कहाँ चलेगा, एक प्रोसेसिंग यूनिट पे चलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ होगी, जहाँ पे मतलब जिस प्रोसेसिंग यूनिट पे के जो कंपोनेंट्स हैं उसी पे ही ये अच्छे से काम कर पाएगा। इसी तरह से दोस्तों जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हार्डवेयर का था। हार्डवेयर के केस में हमने हल्का फुल्का देखा था। देखो हार्डवेयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों तरह के कंपोनेंट आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के केस में क्या आएगा, लीवर हो गया, पुली हो गई, है ना, बोल्ट हो गए, ये क्या करते हैं, डिवाइस को यूँ वेल्डिंग करते हैं। तो ये डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, इंटरफेस के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट में क्या होती है, वायरिंग होती है, वायरिंग के साथ साथ क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं या कनेक्टिविटी, कनेक्ट करने के लिए प्लग्स होते हैं, ये हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से इनको कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये कंपोनेंट अभी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। हमारा प्राइम फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक्स और सिग्नल जो कि मेनली जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट से या स्पेशल पर्पस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, हम उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में देखा कि बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है वो वायर्ड और वायरलेस के फॉर्म में होता है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। हार्डवेयर में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन की बात करेंगे और सॉफ्टवेयर में जो होता है वो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप कैसे अपने रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट आते हैं। इस पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जो भी हम बात करेंगे वो हम हार्डवेयर कनेक्शन या हार्डवेयर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, वो भी हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। यदि आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, यदि आप कुछ जानना चाह रहे हैं या फिर आपका जो भी कमेंट है, आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।